हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, आप ब्रॉयलर फार्मिंग या लेयर फार्मिंग, पूरी पोल्ट्री में इस टाइम चाहे ब्रीडर हो चाहे कोई भी बर्ड हो, एक अजीब सी समस्या फैली हुई है। हालांकि समस्या तो पिछले 4-5 महीनों से चल रही है, लेकिन अब ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो गई है, और ये तब से शुरू हुआ जब से बर्ड फ्लू आया दिसंबर और जनवरी में। तो क्या ये समस्या है? क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मॉर्टलिटी नहीं देखी, खासकर ब्रॉयलर में, इससे पहले 7-8 साल से तो कंसल्टेशन में ही कर रहा हूँ, और उससे पहले भी जो लोग सीनियर हैं उनसे बात होती है तो वो भी बताते हैं कि इतना मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम वायरल का और मॉर्टलिटी का, पुअर FCR का, इससे पहले नहीं देखने को मिला है। कमेंट्स में जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी यही इन्फॉर्मेशन या यही सवाल आते हैं कि सर ये क्या मतलब है कि इतनी ज़्यादा मॉर्टलिटी हो रही है, सब क्यों हो रहा है। तो वो इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या थ्योरीज़ मार्केट में चल रही हैं इस टाइम इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कोई दवाई काम क्यों नहीं कर रही है, और अब इसके बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और एडवाइस क्या है मतलब खासकर छोटे फार्मर्स को, क्योंकि पिछले साल कोरोना जब से आया है तब से लेके अभी तक इंडस्ट्री जो है वो बहुत अप एंड डाउन देख रही है, और बहुत भारी भारी घाटे नुकसान हो चुके हैं। तो उसके चलते क्या मतलब स्टेप्स लेने चाहिए एक छोटे एक मॉडरेट फार्मर को, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस टाइम मार्केट के अंदर अगर देखें हम तो 3 थ्योरीज़ हैं। पहली तो ये है कि बर्ड फ्लू जो आया था वो मतलब पूरे फ्लॉक्स में है, अब एंडेमिक हो चुका है, और LPI HPI की फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा है फ्लॉक्स के अंदर, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो पहली तो थ्योरी बर्ड फ्लू वाली है। दूसरी थ्योरी यह है कि सोया DOC के जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई हो चुके हैं। इस टाइम 70 या 75 रुपए तक सोया बिक रहा है पर केजी, तो इतना प्राइस सोया का आज से पहले कभी नहीं हुआ है सोया DOC का। तो इसकी वजह से पुअर फीडिंग हो रही है, मतलब अल्टरनेट प्रोटीन रिसोर्सेज जो घटिया टाइप के प्रोटीन्स हैं, क्वालिटी प्रोटीन नहीं है, उन्हें यूज़ किया जा रहा है, और उसका सीधा असर ग्रोथ FCR मॉडलिटी इम्यूनिटी वगैरह पे पड़ रहा है। तो दूसरी थ्योरी हो गई है सोया DOC वाली थ्योरी। तीसरी थ्योरी यह है कि ब्रीडर पॉपुलेशन में इन्फेक्शन, परसिस्टिंग इन्फेक्शन है, और उससे चूज़ों की क्वालिटी जो है वो ख़राब आ रही है। तो चिक्स की ख़राब क्वालिटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे, मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि हो सकता है ये तीनों ही चीज़ें काम कर रही हों, लेकिन इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हर साल समर्स में होती हैं वो भी हैं। तो कोई एक प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से ये मतलब मॉर्टलिटी की, पुअर FCR की प्रॉब्लम हुई हो, ये वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, और वो कंपाउंड हो गई हैं, मतलब वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो भी मतलब किसान को पता होता है या किसी कंसल्टेंट डॉक्टर को पता होता है या हमें जो भी आइडिया होता है हम उसके हिसाब से उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पिछले सालों की अगर हम बात करें, इस सीज़न की जो गर्मी का सीज़न है जो अभी चल रहा है, उसमें जो जनरल जो मॉर्टलिटी होती थी गर्मी में, क्योंकि मॉर्टलिटी सर्दियों के या उसके मुकाबले ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह क्या थी गर्मियों में मॉर्टलिटी की? बेसिकली हीट स्ट्रेस रहता था। अब लोग कहते हैं कि हीट या हीट वेव जैसी कंडीशंस अभी तक नहीं आई हैं, और हीट स्ट्रेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत हैं, अगर धूप निकलती है तो गर्मी अच्छी खासी हो जाती है,
तो पिछले सालों में हीट स्ट्रेस एक मेजर प्रॉब्लम होती थी। उसके अलावा आईबी खास तौर से समर्स में ज़्यादा फैलती है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। इसके बाद सीआरडी भी सर गर्मियों में ज़्यादा होती है, गर्मियों की बीमारी है। और साथ साथ एनडी, जिसे हम रानीखेत भी कहते हैं। रानीखेत भी जो है वो गर्मियों की बीमारी है, खासकर जब सूखी गर्मियाँ पड़ती हैं उस टाइम। लेकिन इसे नज़रअंदाज किया जाता है, जब से बर्ड फ्लू आया है तो इसे और ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने लगा रानीखेत को। और लोग सोचते हैं कि हमने एक वैक्सीन लगा दी अगर उसे पहले या 5वें 6वें दिन पे, उसके बाद 21वें दिन पे तो बस काम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रानीखेत से मैंने अभी भी मतलब पिछले कुछ मतलब महीनों में बहुत ज़्यादा डैमेज फार्म्स के ऊपर देखा है। तो हो सकता है रानीखेत ही मतलब बहुत एंडेमिक हो गई हो, साथ साथ बर्ड फ्लू भी हो, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मोर्टलिटी होती है, एकदम छिक छिक की आवाज़ आने लगती है, साउंड की प्रॉब्लम होती है, वो लास्ट तक जाती नहीं है। तो ये पिछले सालों में ये वाली प्रॉब्लम्स तो रहती थी। तो ये जो तीन प्रॉब्लम हमने ऊपर डिस्कस की, जो थ्योरीज मार्केट में चल रही हैं, इसके साथ अगर देखा जाए, इन्हें कंबाइन किया जाए, तो आप सोच सकते हैं कितना डेडली कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। अभी जब से बर्ड फ्लू आया, बर्ड फ्लू के बाद एनडी के आउटब्रेक्स भी देखने को मिले, मतलब ठीक ठाक उनके इंसिडेंस थे, जिसे बर्ड फ्लू कह के उन्हें इग्नोर कर दिया गया। मतलब लोग भ्रमित हो गए कि ये कहीं बर्ड फ्लू LPI HPI तो नहीं है, जबकि वो वहाँ पर था रानीखेत। और कंबाइन इन्फेक्शन भी, इनके कंपाउंड इन्फेक्शन भी होते हैं, इसमें भी कोई मतलब कोई अनकॉमन बात नहीं है। इसके अलावा जो लेयर्स हैं या ब्रीडर्स हैं, उनमें भी इक्वली वो भी इफेक्ट हुए। ब्रीडर पॉपुलेशन का तो ये तक भी कहा जा रहा है कि कई सारे जो नॉर्थ इंडिया में ब्रीडर फार्म्स थे, उनमें बहुत हैवी मॉर्टलिटी हुई, और लगभग पूरे पूरे ब्रीडर फार्म्स ही उसमें मतलब मॉर्टलिटी हो गई, ख़त्म हो गए। तो जो ब्रीडर फार्म बचे जिनमें वैक्सीनेशन किया गया, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बर्ड फ्लू का अब हो ही रहा है बड़े जो महंगे फ्लॉक्स हैं उनके अंदर, तो वो वाले बर्ड्स भी कैरियर बन जाते हैं, क्योंकि ये होता तो लाइव वायरस ही है। अगर वायरस अंदर जाके एक्टिवेट हो रहा है, या वो खुद ही स्ट्रेन मतलब अपनी बदल देता है और फिर गिरने लगता है बाहर, स्पिल होने लगता है, तो वो भी एक वजह है कि रैम्पेंट यूज़ हुआ है इस टाइम वैक्सीन्स का, मतलब खासकर बर्ड फ्लू की वैक्सीन्स का, तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो बहरहाल अब मुझे तो मतलब नहीं आइडिया है, लेकिन ये जस्ट एक आइडिया तो है, मतलब कोई ये कन्फर्म नहीं है कि सिर्फ यही इसकी वजह है, तो ये सारी वजहें हो सकती हैं। इस टाइप के पिक्चर्स लगातार देखने को मिल रहे हैं जो भी आती हैं। अब आप इसमें स्प्लीन देख सकते हैं कि स्प्लीन ये कितना बड़ा हो गया है, और ब्लूइश हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, ये ऐसा मतलब नहीं होता इसका रंग। लेकिन अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे, इस वाली पोर्शन में, तो यहाँ से आपको ब्लैकिश ब्लैकिश नज़र आएगा। इसका साइज़ भी काफ़ी बढ़ गया है, ये आपको झाग दिख रहे हैं यहाँ पर, और ये येलोइश चीज़ी मास दिख रहा है, ये सीआरडी की निशानी है। तो इस टाइप का स्प्लीन हमें रानीखेत में देखने को मिलता है, तो नो डाउट ही कि ये रानीखेत हो सकती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लीवर, ये सब अलग-अलग उसके फ़ोटो हैं, ये एक ही उसमें के नहीं आए हैं, मतलब अलग-अलग जो भी मुझे ठीक लगे दिखाने के लिए, बहुत फ़ोटोज़ आते हैं, तो ये कुछ फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कितना लीवर का डीजेनरेशन हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि लीवर का मरून कलर होता है, यहाँ पे बिल्कुल फैटी डीजेनरेशन है। और ये किसकी वजह से होता है? जब इन्फेक्शियस टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन से अंदर जाते हैं, या किसी तरीके का सेप्टिसीमिया होता है, और वो लीवर के अंदर जाके इकट्ठा होता है, लीवर की सेल्स का नेक्रोसिस होता है, वहाँ पे आके फैट जमा होने लगता है, फैटी डिजनरेशन होने लगता है, तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे हेमरेज भी देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी मतलब कॉमन अब कंडीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किडनी कितनी ज़्यादा डिजनरेट हो चुकी है, लिक्विफिकेशन हो चुका है, और साथ साथ यहाँ पर हेमरेजेस भी हैं।
तो ये यहाँ पर गॉल ब्लेडर देखने को मिल रहा है, फैटी डिजनरेशन तो लीवर में है ही, उसके साथ साथ गॉल ब्लेडर कितना बड़ा है, तो क्लोस्ट्रीडियम के इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं, रानीखेत में भी ये बड़ा हो जाता है। ये आपको इसके ऊपर हेमरेजेस दिख रहे हैं, हीट स्ट्रेस में होता है, गम्बोरों में भी होता है, बर्ड फ्लू LPI में होता है, रानीखेत में भी होता है, IB में भी देखने को मिलता है कभी कभी। तो ई कोलाई आप देख सकते हैं, तो हर तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज़ है तो हम उसका पोस्टमार्टम देख के अंदाज़ा लगा लें कि नहीं ये प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटमेंट की लाइन होनी चाहिए, हर तरीके की प्रॉब्लम है। तो कंडीशन इस टाइम पोल्ट्री इंडस्ट्री की काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी हैं, डिमांड पहले जैसी नहीं है, होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं और ठेले वगैरह नहीं खड़े होते हैं। जो इस बार रमज़ान का जो सीज़न था, मंथ था, वो भी काफ़ी मतलब हल्का गुज़रा, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट में। रेट इस वजह से हाई है क्योंकि सप्लाई कम हो चुकी है, सप्लाई बहुत कम हो चुकी है मोर्टलिटी वगैरह की वजह से, ग्रोथ नहीं ले रहा है, 2 किलो का मुर्गा होना बहुत मुश्किल हो गया है अब। फीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये भी एक क्रिटिकल इशू है इस टाइम, जैसा मैंने बताया कि 70 रुपये किलो सोया है तो कोई फीड कैसे बनाएगा, है ना, तो उसमें तो आपको अल्टरनेट सोर्सेज और यूज़ करनी पड़ेंगी, तो उसमें क्वालिटी गिरेगी फीड की। रैम्पेंट डिजीज़ आउटब्रेक, तो डिजीज़ के आउटब्रेक बहुत हो रहे हैं, हीट स्ट्रेस भी है, अगर हीट स्ट्रेस नहीं भी है तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन तो बहुत है ही, हीट स्ट्रेस हो लेकिन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना हो तो मतलब बर्ड उसे टॉलरेट कर लेती है, लेकिन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं वो काफ़ी इस टाइम घातक हैं। उसके साथ साथ जो ये सब की वजह से जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मेडिसिंस के ऊपर, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी फार्मर की काफ़ी डाउन अब हो चुकी है, बिल्कुल मतलब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है पिछले 1.5 साल में, ना सिर्फ छोटे फार्मर बल्कि बड़े इंटीग्रेटर जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन वो भी काफ़ी इससे आहत हुई हैं, उनमें भी बहुत नुकसान हुआ है, और कुछ उसके अंदाज़े से पिछले साल से अब तक लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का इंडस्ट्री को कम मतलब क्यूमुलेटिव लॉस हो चुका है, 25 से 30 हज़ार करोड़ का। तो इंटीग्रेशन में भी कमी आ गई है और कोई मतलब ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि हम इससे बाहर अभी मतलब आने वाले टाइम में निकल पाएगी इंडस्ट्री। हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉर्टलिटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, तो सारे के सारे जितने भी इसके फैक्टर्स हैं, जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं, उन पे नज़र करेंगे। और यहाँ पर मैं फिर आपको एक बात बता दूँ कि मेरे ये ओपिनियन है, मैं कोई भी चीज़ कंफर्म उसमें नहीं कह रहा हूँ, जो जो चीज़ें अभी तक दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, जो जो होता है उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। लोगों के ओपिनियन, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन इससे अलग भी हो सकते हैं, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो हमें पता है कि फीड के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि जो फीड 38 रुपये का बिक रहा था, 30 रुपये का बिक रहा था 2 महीने पहले तक, वो अब कितने का बिक रहा है, वो लगभग 38 रुपये का हो गया है पर केजी। तो इसका मेन रीज़न क्या है, सोया DOC की कॉस्ट बहुत हाई चली गई है, जब सोया DOC की कॉस्ट लगभग इस टाइम 70 रुपये पर केजी है, 70 से 75 रुपये के बीच में ये चल रही है और इससे नीचे नहीं आ रही है। इसके क्या रीज़न्स हैं, ये क्यों महंगी है, ये तो एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन ये अभी महंगी है। लोग कह रहे हैं कि इसका इंपोर्ट अभी बंद हुआ हुआ है, अभी नहीं कर रहे हैं इंपोर्ट, इसी वजह से सोयाबीन का इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो तेल के प्राइसेस भी, जो एडिबल ऑयल है उसके प्राइसेस भी हाई हो गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब सोया महंगी हो गई है तो फीड तो 70 रुपये की सोया का बना के कोई बेच नहीं सकता है, तो अल्टरनेट प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे राइस DDGS, कॉर्न DDGS, राइस ग्लूटेन, कॉर्न ग्लूटेन, MBM, मीट मील, फिश मील, ब्लड मील, या और भी कोई चीज़
हो सकती है मस्टर्ड केक है या फिर कॉटन सीड केक है, तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन सोयाबीन के अलावा अगर कुछ होता है, सोयाबीन की क्या ख़ास बात है कि इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत कंसिस्टेंट होती है। मतलब ये एक सी क्वालिटी की आती है सोया जो मार्केट में आती है। इसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो बहुत कंसिस्टेंट होता है कि अगर 46% हम कह रहे हैं तो वो 46 ही होगा, 45-44 हो सकता है, लेकिन कोई उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, उससे परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सोया का जो प्रिडिक्शन होता है, जब सोया से फीड बनता है तो वो बहुत प्रिडिक्टेबल होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बर्ड उस पर परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इनके जो प्रोफाइल होते हैं न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होते। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि फीड अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। अगर अच्छा इंग्रेडिएंट आ गया तो अच्छा बन जाएगा, नहीं तो ख़राब बनता है, परफॉर्म वो नहीं करता फीड। तो ये जो सोर्सेज होती हैं इनके अंदर कंसिस्टेंट नहीं होता है प्रोटीन का कंटेंट, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, वो प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। सोया क्योंकि बनती पोल्ट्री के लिए, जब उसमें से तेल निकाला जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि ये पोल्ट्री में इस्तेमाल होने के लिए जाएगा। बाकी की चीज़ों में इसका इतना ध्यान रखते भी हैं या नहीं भी रखते हैं, तो उसके अंदर वैसे कंटेमिनेशन बहुत आ जाता है। तो इस वजह से जो क्वालिटी होती है वो और सोर्सेज की, अल्टरनेट सोर्सेज की पुअर होती है सोयाबीन के मुकाबले। और अगर ये नॉन वेज सोर्सेज हैं तो उनमें इन्फेक्शन भी होता है, खासकर सालमोनेला का इन्फेक्शन, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम या और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं कुछ, अगर वो वैसे कंटेमिनेटेड है। तो इससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है, और जब टॉक्सिसिटी होती है तो इम्यून ब्रेकडाउन होता है, तो इम्यूनिटी उससे डाउन हो जाती है। तो मेन का कारण जो है इन ये जो हम यूज़ करते हैं, इससे बेसिकली पूरे के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, और उसमें टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी का जो ब्रेकडाउन होता है उसका मेजर एक रोल रहता है। और दूसरी बात यह है कि जब किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है तो जो उसके सप्लायर्स होते हैं वो उसकी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप किसी से को फ़ोन कर करके कहें कि मुझे DDGS चाहिए और वो मना करे आपको, आप उसे 10 बार कॉल करेंगे, वो फिर वो कुछ भी उठा के आपको पकड़ा देगा, है ना। तो जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो आपके क्वालिटी के ऊपर वो नहीं करेगा, ये कॉमन सेंस है। तो इसका जो पहला इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है टॉक्सिसिटी की फॉर्म में, और लोड किस पे पड़ता है, लीवर के ऊपर। अगर लीवर ही ख़राब हो गया तो पूरी गाड़ी बैठ जाएगी, जो उसका जो मेन इंजन होता है बॉडी का वो होता है लीवर, यहीं की सब सारा मेटाबॉलिज्म होता है। और जो इंटेस्टाइन से दाना जाता है वो सबसे पहले जो ब्लड में जाता है, ब्लड उसे लीवर में लेके जाता है, लीवर में सब कुछ वो फिल्टर होता है, फिर बाकी बॉडी के अंदर जाता है। अगर उसकी क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि आप तो वो मुर्गी तो कुछ भी खा रही है ना, तो लीवर सब कुछ तो बॉडी के अंदर जाने नहीं देगा, जो उसके ख़राब मटेरियल, जो टॉक्सिक मटेरियल होंगे, जो उसके अंदर जहर होगा, पॉइजन होगा, उसे डिटॉक्सिफाई करके किडनी के रास्ते बाहर निकालेगा, बाकी चीज़ों को इधर दे देगा। अगर उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी तो लीवर वो की जो लोड पड़ेगा वो डिटॉक्सिफिकेशन कम होता जाएगा और लीवर ख़राब होता जाएगा, जैसे मैंने अभी वीडियो उसमें आपको पिक्चर में दिखाया भी। ज़्यादातर जो लीवर होते हैं वो डैमेज ही आपको नज़र आ रहे होंगे जब आप मोडलिटी आपके यहाँ होती होगी। तो इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम का ब्रेकडाउन होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो चली जाती है। अच्छा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती कैसे है, वो एंटीबॉडीज से बनती है, या जो CMI होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो होती है, और बेसिकली एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये प्रोटीन है। तो जब हम इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं तो इसकी जो प्रोटीन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप उसे ख़राब क्वालिटी का प्रोटीन दे रहे हैं, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी ठीक नहीं है, अमीनो एसिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, तो इम्यून सिस्टम पे, एंटीबॉडी फॉर्मेशन पे और इन सब चीज़ों पे, इम्यूनिटी पे बहुत उसका गहरा असर पड़ता है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शंस जो होते हैं वो मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट बिल्डिंग अप, वो पनपने शुरू हो जाते हैं, और लीवर डैमेज इस सब का सबसे पहला साइन होता है। और अर्ली एज से, मतलब 6-7 दिन की एज से ही आपको वो सब लीवर में डैमेज और ये सब
दिखने लगता है और मोटिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि ये फीड की वजह से है या चिक की क्वालिटी ख़राब है इस वजह से। तो पहले हफ्ते में अगर मोटिलिटी हो रही है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि 50% चूज़े की क्वालिटी पे सब डिपेंड करता है, और उसके बाद फीड की क्वालिटी कैसी है और आपने मैनेजमेंट कैसा रखा है, इन चीज़ों का नंबर आता है। तो फिर ध्यान मतलब इन्हीं चीज़ों पे जाता है कि चिक की क्वालिटी कैसी है आपकी और फीड कैसा है। ज़्यादातर प्री स्टार्टर चलता है तो प्री स्टार्टर में प्रॉब्लम बहुत कम आती है, प्री स्टार्टर कोई गलत नहीं बनाता है क्योंकि प्री स्टार्टर महंगा होता है, तो इसमें कोई मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करता कोई फीड मिलर। या प्रॉब्लम स्टार्टर से फिनिशर में आती है ज़्यादातर। तो फीड हो गया एक, एक हो गया चिक की क्वालिटी, और तीसरी हो गई आपकी आपका खुद का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सर्दियों में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि उस टाइम आपको गर्मी बना के रखनी है, ठंड होती है, वेंटिलेशन मिल नहीं पाता, तो वो वाली मैनेजमेंट की प्रॉब्लम मतलब मैनेजमेंट का जो फैक्टर है वो सर्दियों में ज़्यादा काउंट होता है। तो अगर ब्रूडिंग ठीक नहीं की है आपने तब भी मोर्टलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे जैसे बर्ड की एज बढ़ती चली जाती है मोर्टलिटी का जो रेट है और वो इंक्रीज होने लगता है। और बॉडी के अंदर आपको इस टाइम आज के दिनों में क्या है कि जर्नलाइज एक रेडनेस दिखेगी, अगर बॉडी आप खोलेंगे तो वो लाल लाल आपको पूरी उसमें दिखाई देगी क्योंकि पूरी हाइपरेमिक हुई रहती है इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शियस एजेंट अगर ज़्यादा होते हैं या हीट स्ट्रेस की कंडीशन है तो बॉडी उसमें में रेडनेस बहुत बढ़ जाती है। साउंड प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाती है और आजकल खासकर क्यों शुरू हो रही है 14-15 दिन की एज पर, और खासकर जब स्टार्टर फीड शुरू किया जाता है उस टाइम, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि स्टार्टर फीड की क्वालिटी प्री स्टार्टर फीड से कम होती है, डाउन होती है। इसमें प्रोटीन सोर्सेज भी प्री स्टार्टर के बनिस्बत थोड़ी ख़राब क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं क्योंकि स्टार्टर अपने आप में ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। लगभग 1.5 किलो स्टार्टर खिलाया जाता है मुर्गियों को, तो अगर 1.5 किलो स्टार्टर खिलाया जा रहा है तो एक स्टार्टर एक अच्छा खासा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मनी एक बनाता है। तो स्टार्टर पे अगर फीड मिलर पैसा बचाएगा तो उसके मार्जिन्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या रहता है कि जो 14-15 दिन पे जो छिक छिक की आवाज़ आती है, और ख़ासकर कभी आप गंबोरो अगर वगैरह करते हैं तो उसके बाद साउंड प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है क्योंकि गंबोरो क्या है वो इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है। इम्यून सिस्टम डाउन होता है, डस्ट वगैरह फार्म में है तो ईकोलाई वगैरह और ये सब तुरंत पनपने लगते हैं उसके ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, और वो आवाज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न ये रहता है कि जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं, जो ब्रीडर से एंटीबॉडी चूज़े के अंदर आती हैं, वो लगभग 12 दिन तक काम करती हैं। 12 दिन के बाद वो उनकी जो एक्टिविटी है, उनका अमाउंट और वो सब कम होने लगता है। जब एंटीबॉडी कम होने लगती है तो जितनी भी बीमारियां हैं जो फार्म में रहती हैं या जो फैल रही होती हैं वो फिर बर्ड को अटैक करना शुरू कर देती हैं। इसमें मेन जो एक बीमारी होती है वो IBD होती है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। तो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जो है ये सबसे पहले आती है, और जो साउंड की प्रॉब्लम है उसकी मेन वजह IBD ही होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, अब जैसे सूखा है ज़्यादा तो डस्ट होती है, हीट स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खासकर आज के टाइम में, और IBD क्योंकि समर में ज़्यादा फैलती है, गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा फैलती है, उसका एक रीज़न ये भी है। तो इससे क्या होता है, बर्ड एक्सेसिव पेंटिंग करता है, मतलब मुंह खोल के सांस लेता रहता है, तो उसका मुंह हमेशा खुला ही रहता है। उससे क्या होगा, तो जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक्सपोजर है वो एनवायरनमेंट के लिए बढ़ जाता है, तो जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर पैथोजेंस होते हैं वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा आसानी से एंटर कर जाते हैं। तो जब ये एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर CRD प्रोड्यूस हो जाती है। शुरू में तो छिक छिक की आवाज़ आएगी, बर्ड बार बार उसे मतलब साउंड करेगा, सर को झटकेगा, फिर हीट स्ट्रेस भी अगर है तो डेवलप क्या हो जाएगा, CRD डेवलप हो जाएगी। उसके ऊपर फिर पुअर प्रोटीन, जैसा आजकल चल रहा है कि फीड इतना महंगा हो गया है और प्रोटीन की क्वालिटी कम हो गई है, तो डाइजेशन जब
प्रोटीन पुअर होगा तो उसका डाइजेशन भी पूरा नहीं हो पाएगा, डाइजेस्टिबिलिटी ख़राब होगी, तो बीट पतली आने लगती है, ब्राउन कलर की आएगी, रंग बिरंगी दिखेगी, कभी पीली होगी, कभी ब्राउन होगी, कभी पतली होगी। तो प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉपर ना होने से ये प्रॉब्लम आएगी और उससे ग्रोथ पे असर पड़ेगा, ग्रोथ पुअर होगी, मतलब जो उसके टारगेट वेट होंगे वो अचीव नहीं कर पाएंगे। 300-300 ग्राम का रह जाता है 18-18 20-20 दिन का बर्ड, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है। फिर क्या करता है फार्मर, फिर ग्रोथ प्रोमोटर लगाना शुरू करता है कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जितने भी ग्रोथ प्रोमोटर हैं उनके अंदर आयरन प्रेजेंट रहता है। आयरन क्या करता है, ई कोलाई के लिए आयरन अमृत का काम करता है, ठीक है। ई कोलाई की रैम्पेंट ग्रोथ होती है, मतलब बिल्कुल ई कोलाई को ऐसा वो मिल जाता है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है जब आप ग्रोथ प्रोमोटर लगाते हैं। आप तो मुर्गी के लिए लगा रहे हैं लेकिन उसका जो आयरन है वो ई कोलाई यूज़ करता है, तो ई कोलाई के आउटब्रेक समर्स में इस वजह से बढ़ जाते हैं। मैंने जो ग्रोथ प्रोमोटर बनाया है, एक डिज़ाइन किया, उसके अंदर आयरन को बिल्कुल भी नहीं रखा, और कुछ चीज़ें एंटी ई कोलाई हमने उसमें मिलाई ताकि जब उसे लगाया जाए तो सिर्फ वो ग्रोथ ही करे और बाकी चीज़ों को इन्फेक्शंस को पनपने ना दे, क्योंकि ई कोलाई भी वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए जो बर्ड इस्तेमाल करता है ना। तो ई कोलाई के आउटब्रेक फिर समर में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर के अंदर आयरन बढ़ जाता है समर्स में, मतलब गर्मियों के सीज़न में आयरन बढ़ जाता है ग्राउंड वाटर में, लगभग 4 गुना ज़्यादा हो जाता है, 4 टाइम्स उसकी वो हो जाती है। तो ये सब चीज़ें फ्लॉक के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। जब ये सब होता है, ये सारा ट्रायड होगा, आई बी आ जाएगी, सीआरडी होगी, ई कोलाई होगी, तो आपकी हैवी मॉर्टलिटी फिर मतलब वारंटीड है, फिर तो वो होनी है, और ग्रोथ उसमें पुअर होती है। अब अगर इसका हम रैंक वाइज लिस्टिंग करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है, पुअर फीड की क्वालिटी, ठीक है, प्रोटीन की क्वालिटी पुअर है, सोयाबीन महंगा है। दूसरी सीआरडी है, रानीखेत बिल्कुल छुपी हुई है, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहा है, हालांकि ये फार्म्स में एक अच्छे लेवल पे इसके इंसिडेंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गए, समर फैक्टर्स हैं। इसके बाद बर्ड फ्लू भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तक बर्ड फ्लू गया ही नहीं है, साइन सिम्टम्स देख के वो सब नज़र आता है, लेकिन शायद HPI है या LPI। HPI होता तो बहुत और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती, ये शायद LPI है, लेकिन ये अच्छा खासा डैमेज कर रहा है। चौथी चीज़ हो गई चिक्स की क्वालिटी, वो तो खैर छोटे फार्मर के हाथ में है ही नहीं, वो तो उसे जहाँ से भी मतलब लेना है वो ले ही लेगा। अब आपका फ्लॉक कैसे अफेक्ट है, पिछले कई मतलब कुछ दिनों में, लगभग महीना 1.5 महीने से मुझे मतलब रोज़ 2 या 3 एवरेज कॉल्स आते हैं, नए भी लोग भी मैं मतलब कांटेक्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो उनमें यही चीज़ देखने को मिलती है, और उसके हिसाब से मैंने कंज़र्वेटिव वो बनाया है कि कितना नुकसान इस टाइम हो रहा होगा फार्मर को, एक छोटे फार्मर को। अगर 5, ये कंज़र्वेटिव उस पर है, मतलब मैं बिल्कुल कंज़र्वेटिवली इसे वो कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा जो यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है। 5,000 का अगर फ्लॉग है उसमें 50 की मॉर्टलिटी होती है, और सिर्फ 5 दिन होती है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 से मॉर्टलिटी तो लगातार ही हो रही है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 5 दिन होती है और डेली 50 बर्ड मरते हैं 5,000 के फ्लॉक में, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 250 बर्ड की मॉर्टलिटी हो जाएगी। तो 250 की अगर मॉर्टलिटी होती है और 25 रुपये का एक चूज़ा है तो 6,250 रुपये तो ये हो गए, और 40 रुपये का अगर वो लगभग 1 किलो फीड खा चुके होते हैं उस टाइम तक, तो 250 चूज़े लगभग 10,000 का फीड भी खा चुके हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन, मैनेजमेंट, लेबर वगैरह का खर्चा है वो भी इसमें काउंट होता है। FCR आपका इसमें लगभग 1.8 का चला जाता है, क्योंकि ग्रोथ भी पुअर हो रही होती है और मॉर्टलिटी भी है, मॉर्टलिटी अगर इतनी ज़्यादा है तो फिर ग्रो क्या करेगा वो बर्ड, तो लगभग 3.6 फीड खा के वो 2 किलो का बर्ड होता है। तो इसका मतलब अगर हम लगाएं तो 137 रुपये का फीड खाएगा, 25 रुपये का चूज़ा है, 15 रुपये उसकी दवाई में खर्च हो जाते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा ही होते हैं, और 10 रुपये हम लेबर वगैरह के लगा लेते हैं, तो 187 रुपये बर्ड की कॉस्ट इस टाइम
आ रही है कंजर्वेटिव साइड्स में, साइड मतलब कंजर्वेटिवली अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो बर्ड की 1 kg की कॉस्ट आती है लगभग 93 रुपये, लेकिन ये राइज करती है लगभग 120 रुपये तक इस टाइम। तो अब रेट क्या चल रहा है, 90 रुपये एवरेज रेट चल रहा है। तो अब आप लगा सकते हैं कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर 100 रुपये भी है तब तो भी कोई, वो भी मार्जिन पे ही छूट रहे हैं लोग। कंपैरेटिवली क्या है, अगर हम इसे देखें, जो लोग अपना फीड बना रहे हैं वो इससे बहुत हद तक बचे हुए हैं, उन्हें बहुत कम प्रॉब्लम इस टाइम आ रही है, क्योंकि क्योंकि लोग हर तरीके के हैं, अपना फीड भी बनाने वाले हैं और मार्केट से भी लेने वाले हैं। तो अपना फीड जो इस टाइम बना रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम कम आ रही है, और ख़ासकर उन लोगों को जो खाली मेज़ और सोया से फीड बना रहे हैं। मेज़ और सोया से फीड इस टाइम अगर बनाएंगे आप तो वो कॉस्ट तो लगभग उतनी ही आएगी, 36 से 38 रुपए, लेकिन मॉर्टलिटी नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पे इस वाले मैसेज में देख भी सकते हैं कि 18 दिन का बर्ड है, 700 ग्राम वेट है और लगभग 1.28 का FCR है ना, और ओनली 40 मॉर्टलिटी हुई है अभी तक 4,000 के फ्लॉक में टोटल 18 दिन में। तो कंसेंट्रेट भी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी पहले सोया ही आता था, उसमें भी अल्टरनेट चीज़ें डालने शुरू कर दी, तो उन्हें भी मॉर्टलिटी और पुअर ग्रोथ का सामना करना पड़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर अपना फीड कोई इस टाइम बना रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, लगभग 75 रुपये पर केजी के हिसाब से आ रही है। तो उन्हें कम से कम नुकसान तो नहीं हो रहा है उन लोगों को, और फ़ायदा भी, मतलब एक मॉडरेट प्रॉफिट भी उन लोगों को मिल रहा है। कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो अपना फीड नहीं बना रहे। ज़्यादातर फार्मर क्या करते हैं, वो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं चीज़ों को, ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें सिर्फ फीड के प्राइस दिखते हैं, वो FCR और इन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं। तो आखिरी में कुछ बातें जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपसे, वो ये हैं कि कंडीशन ऐसी नहीं लग रही हैं कि वो नियर फ्यूचर में इम्प्रूव होंगी। ये ऐसा ही चलने वाला है अभी 2-3 महीने। अगर इम्प्रूव हो जाती हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि इम्प्रूव होंगी, क्योंकि अभी सोयाबीन वगैरह को इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं मिल रही है। बहुत लगे हुए हैं लोग, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो सोया के जो प्राइसेस हैं वो हाई रहने वाले हैं, और अगर ये कम आते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ब्रॉयलर के प्राइसेस भी डाउन जाएंगे, क्योंकि जितने भी इंटीग्रेटर हैं वो अभी भी, उन्होंने इसी वजह से प्राइस इतने बढ़ाए हुए हैं क्योंकि सोया के प्राइस हाई हैं। तो अगर सोया इंपोर्ट हो जाती है, जाहिर सी बात है जब इंपोर्ट होगी तो ये सारे जितने इंटीग्रेटर हैं ये इसे स्टॉक करके रखेंगे, तो जो ब्रॉयलर के प्राइसेस हैं वो डाउन आ जाएंगे। मार्केट में सोया का रेट बहुत डाउन आएगा एकदम से, ये थोड़ा डाउटफुल है। इसकी वजह एक ये भी है कि मार्केट तो ऑलरेडी अभी स्लगिश है, मार्केट में इतना मतलब जान नहीं है, डिमांड इतनी अच्छी नहीं है। तो एडवाइस यही है कि अगर आप फीड बाहर से ले रहे हैं तो जब तक सोया के प्राइस नीचे ना आए तब तक चूज़ा ना डालें, बर्ड को ना प्लेस करें, अगर आप कंपनी का फीड परचेज कर रहे हैं तो। और अपनी मनी को वेस्ट ना करें इम्यून बूस्टर पे, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इम्यून बूस्टर ना चलाएं, क्योंकि इम्यून बूस्टर भी इम्यूनिटी पे तभी काम करेंगे जब उसे प्रोटीन अच्छा मिलेगा। और तो जब प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इम्यून बूस्टर भी किसी काम के नहीं रहेंगे, और अब फिर आपका क्या होगा कि दवाइयों पे से भरोसा उठेगा, आपको फीड भी गलत नहीं लगेगा, आपको चूज़ा भी गलत नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि दवाई काम नहीं कर रही है। अगर अपना फीड आप बना रहे हैं तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें सोया DOC लेने में। सोया DOC लें, चाहे 75 रुपये की भी लेंगे तब भी आप फ़ायदे में रहेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। मेडिसिन्स को ब्लेम करना छोड़ दें, ये मेडिसिन वाला इस टाइम वो नहीं चल रहा है, मतलब मेडिसिन के बाहर की, बस के बाहर की बात है ये जो भी कुछ है। ये इसका जो ब्लेम जाता है वो फीड की क्वालिटी को जाता है और चिक की क्वालिटी को जाता है, तो मेडिसिन नहीं बचा सकती हैं उसे। तो जैसे कोरोना में भी हो रहा है ना, तो कोरोना में भी यही हो रहा है कि कोई मेडिसिन है ही नहीं उसके लिए, जब वायरस इतना मतलब डेडली हो जाता है तो नहीं काम करता है कुछ। वायरल में तो खासकर मेडिसिन कोई काम नहीं करती हैं। तो एक्सेसिव एंटीबायोटिक का भी यूज़ ना करें, अगर आप एक्सेसिवली एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उसमें क्या है कि जो बर्ड की मोर्टलिटी तो कभी कभार एंटीबायोटिक्स रोक लेती हैं,
लेकिन वो भी जब जब आप उसे इंजेक्ट करते हैं, लेकिन बर्ड इतना स्ट्रेस में आ जाता है तो वो ग्रोथ वगैरह उसकी FCR सब बेकार चला जाता है और आपको कोई उससे फ़ायदा डायरेक्ट मिलने नहीं वाला है। बायो सिक्योरिटी को टाइट रखें, अगर अभी भी आप इसे मतलब जो लोग भी कर रहे हैं उनके बर्ड इस टाइम हैं, और वाटर सैनिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे।